दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पुलिस थाने पहुंची है। आप विधायक और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने देशबंधु गुप्ता रोड पुलिस थाने में बीजेपी नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आदेश गुप्ता, बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया, रवि तंवर, विकास तंवर सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ जल बोर्ड मुख्यालय में जबरन घुसकर तोड़फोड़ करने, उपद्रव मचाने, मारपीट, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, जानलेवा हमला, धमकी देने, हत्या के प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता की 15 धाराओं में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं के खिलाफ सेक्शन 188 के तहत मामला दर्ज किया है। राघव चड्ढा ने पुलिस को 10 पेज की शिकायत दी है। इसमें आरोप है कि बीजेपी नेता 200 से 250 लोगों की भीड़ के साथ गैर कानूनी तरीके से जल बोर्ड के मुख्यालय का गेट तोड़कर दफ्तर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने जल बोर्ड के सुरक्षा गार्डो से मारपीट भी की। रिसेप्शन एरिया से लेकर उपाध्यक्ष कार्यालय तक के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, शीशे, गमले इत्यादि को तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया। इससे जल बोर्ड की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जल बोर्ड की महिला कर्मचारी ने घटना वाले दिन बाकायदा दोपहर 1 बजे के करीब पुलिस PCR को कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी है। खौफ के कारण उस समय महिला और अन्य कर्मचारियों ने खुद को जल बोर्ड के अध्यक्ष के दफ्तर में बंद कर लिया था और गेट के पास सोफा लगा दिया था ताकि कोई अंदर आ न सके। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि कृषि कानूनों के मामले पर किसानों का समर्थन करने के कारण उन पर ये हमला किया गया है। अब आपकी शिकायत के बाद ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।